वेलकम टू द वन अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। अब अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर जो बैंक्स हैं वो एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन देंगे अप टू ₹1 करोड़, और इन बैंक्स को कौन रिफाइनेंस प्रोवाइड करेगा? सिडबी। सिडबी इन बैंक्स को रिफाइनेंस देगा और ये बैंक्स मेरे एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट्स पर्पस इज़ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग एस सी एस टी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यस ट्रू, बिल्कुल ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर रिफाइनेंस थ्रू सिडबी। यस ये भी ठीक है। तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। सो माई आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के बारे में। ये जो GIAHS है एक पार्टनरशिप इनिशिएटिव है। इसमें मेरे को क्या करना है, जो एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है, एक पुराने मेथड्स हैं ऑफ ग्रोइंग एग्रीकल्चर और उनके साथ उसकी बायोडाइवर्सिटी, नॉलेज सिस्टम और कल्चर्स, उसको ग्लोबल एंड नेशनल रिकॉग्निशन देना है और साथ में उसको एक डायनामिक कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना। इसमें मेरे को क्या करना है कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी इनकम कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, उनका वेलबींग और उनका आउटलुक मेरे को चेंज करना है। मेरे को उन लोगों के अंदर एक प्राइड एंड आइडेंटिटी उनके अंदर इंस्टिल करनी है अबाउट देयर ओन एग्रीकल्चर हेरिटेज, नॉलेज सिस्टम एंड कल्चर। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द FAO accords the status of GIAHS to traditional agriculture system. What is the overall goal of the initiative? पहला है to provide modern technology, training in modern farming methods and financial support to local communities of identified GIAHS so as to greatly enhance their agriculture productivity. नहीं, modern farming नहीं, what जो ancient agriculture heritage system है उसी को promote करेगा, तो ये मेरा गलत है। सेकेंड है टू आइडेंटिफाई एंड सेफ गार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप्स, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटी। यस, जो ट्रेडिशनल है उसी को मेरे को मैनेज करना है, उसी को मेरे को पॉपुलराइज करना है, तो मेरा टू मेरा ठीक है। थर्ड है टू प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन स्टेटस टू ऑल द वराइटीज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइड GIAHS। नहीं, ये नहीं है। तो मेरा ओनली थ्री इज, ओनली टू इज करेक्ट। तो करेक्ट पूछ रहा है, माई आंसर इज बी। दूसरा वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी मेरी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की। तो ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? लोहित, डिबांग, सुबनसारी, जय, भराली, धनसारी, मानस, तोरसा, संकोश, टिस्ता, ये सारी मेरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा मेरी बूढ़ीडीहिंग, डिसांग, दिखो, धनसारी, कोपली, ये मेरी लेफ्ट है। इसके अलावा मेरी एक केमांग रिवर है, वो भी मेरी ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है। तो मेरी डिबांग मेरी ट्रिब्यूटरी है, हाँ है। मेरी केमांग एक ट्रिब्यूटरी है, केमांग ये भी है। लोहित मेरी ट्रिब्यूटरी है, हाँ लोहित भी है। तो मेरी तीनों मेरी ट्रिब्यूटरी हैं। सो माई आंसर इज डी। फिर ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के बारे में पूछ रहा है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सभी बैंक की ब्रांचेज हैं वो एक साथ कनेक्टेड होती है और जो मेरा कस्टमर होता है वो उस बैंक का कस्टमर बनता है, ना कि उस ब्रांच का। वो किसी भी ब्रांच से बैंकिंग के काम करवा सकता है। तो वही पूछ रहा है, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म? इट इज़ द नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेज विच एनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन देयर नेटवर्क regardless of where they open their account. बिल्कुल ठीक है। It is an effort to increase RBI control over commercial banks through computerization. नहीं, it is a detailed procedure by which a bank with huge non-performing assets is taken over by another bank. नहीं, ये भी नहीं। तो पूछ रहे हैं select the correct answer using the code below. तो कौन सा करेक्ट है मेरा? वन, वन ओनली इज मीन्स ए, ए इज माई राइट आंसर। अब देखिए ये कुछ टर्म्स मेरे को मैच करनी है। एनेक्स वन पार्टीज मेरी किस आती है? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, जिन्होंने कुछ कमिटमेंट दिया था कि वो ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे। और कार्टेगना प्रोटोकॉल मेरा बायोसेफ्टी का प्रोटोकॉल है, तो ये दोनों मैच नहीं करते, तो गलत है। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस क्या होते हैं? ये मेरा एक टाइप ऑफ एमिशन यूनिट्स होती है। जब मैं कोई क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो अंडर क्योटो प्रोटोकॉल मेरे को कुछ यूनिट्स मिलती हैं, उसे मैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस बोलता हूँ।
नागोया प्रोटोकॉल किसके बारे में है, वो है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड देयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। मतलब कोई कॉर्पोरेट जाता है किसी डेवलपिंग कंट्री से कोई जेनेटिक रिसोर्स निकालता है और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करता है, तो उसके बेनिफिट्स मेरे को उस कंट्री के साथ शेयर करने पड़ेंगे, तो ये दोनों भी मैच नहीं करते। तीसरा है मेरा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर मैं कुछ प्रोजेक्ट सेटअप कर सकता हूँ और उन प्रोजेक्ट सेटअप करके ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम कर सकता हूँ, तो मेरे को कुछ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस करके कुछ यूनिट्स मिलेंगी। ये मेरा क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है, तो ये मेरा ठीक है। तो कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है, ओनली थ्री, सो मेरा सी इज़ द आंसर। थैंक यू, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।